हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी अनदर गेमिंग वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉप इट। सो गाइस, इतने टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर देना और गैस करो आज की इस वीडियो में हमारा मैच किसके साथ लगा था। मेडे के साथ, जो कि इस टाइम पर वर्ल्ड नंबर वन पर ये आईडी चल रही है और ये भी मोहम्मद हवाई की ही आईडी है। इन्हीं के साथ हमारा मैच लगा था और जैसा कि आप लोगों को पता है, हर टाइम जब इन किसी भी वर्ल्ड टॉपर के साथ मैच लगता है तो वो एक ही रोनर होता है कि भाई मैच दे दो, अगला मैच ले लेना। तो कुछ इसी तरीके से हुआ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी सारे तो भाई फेक होते हैं, बस मैच लेकर जो है ना वो चले जाते हैं। जब इन वर्ल्ड टॉपर के साथ मैच लगता है और टर्न इनकी आती है, तो आप उनको जितने भी मैसेज करो, भाई मेरे पास कॉइन नहीं है, या कुछ भी आप इनसे बात करो, क्या हाल चाल भाई, हेलो भाई, ये किसी भी बात का आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब टर्न हमारी आती है, तब इनको सारा भाईचारा याद आता है। बड़ा हरामी हो बेटा। यही तो गाइज इन वर्ल्ड टॉपर्स की रियलिटी है। और यहाँ पर ये देखो भाई, जैसा कि मैंने कहा था, हर वर्ल्ड टॉपर का यही रंडी रोना होता है कि भाई मैच दे दो अगर टर्न हमारी हो। इनकी टर्न हो तो ये आपको पूछेंगे भी नहीं, और जब हमारी टर्न हो तो आप इनसे कुछ भी करवा लो, बस इनको एक टर्न चाहिए। और बाय द वे, मैंने इनको टर्न दे भी दी थी कि भाई वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, नंबर वन पर हैं। और ख़ासकर मोहम्मद भाई की आईडी थी तो भाई टर्न देना बनता था। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ऑटो प्ले यूज़ किया जा रहा है। मुझे पता है मोहम्मद भाई खुद ये नहीं प्ले कर रहे, बल्कि उनकी टीम ये आईडी प्ले कर रही होगी। लेकिन यार मोहम्मद भाई से मैं कहना चाहूँगा, आप 100 से भी ज़्यादा बार वर्ल्ड टॉपर रहे हैं कैरम पूल की, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है वर्ल्ड टॉप करने की अभी के टाइम पर, और ख़ास तौर पर ऑटो प्ले यूज़ करने की। तो यहाँ पर से गाइज मैच जो है मैंने उनको दे दिया, और क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये हमें मैच वापस देंगे? बस देखते हैं। रीमैच के लिए मैंने कर दिया है और मैच फाइनली प्ले कर दिया इन्होंने, और इस बार टर्न इनकी आएगी। और आपको याद रहे, इनके पास है ऑटो प्ले, और अगर ये टर्न ना देना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल है ये टर्न ना भी दें हमें, और यही मुझे लग रहा है ये प्ले कर रहे हैं भाई। और वैसे भी ये मैच विन करके उनका कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उनको विनिंग तो मिलेगी नहीं मेरे ख्याल से, तो ये फिर भी प्ले कर रहे हैं। और अभी ये शॉट ऑटो प्ले की नहीं लग रही मुझे जी, ऑटो प्ले ऑफ कर दिया इन्होंने अपना। और अभी क्या कर रहे हैं भाई, फिर से ऑटो प्ले से खेल रहे हैं क्या? ओके, तो गाइज फाइनली आई थिंक उन्होंने मतलब जानबूझकर शॉट मिस कर दी और टर्न हमें मिल चुकी है। गाइज मैच तो मैं विन कर गया, लेकिन जिस तरीके से मैंने मैच विन किया ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। मतलब कोई यू विन वगैरह लिखा हुआ नहीं आया, मैं मुझे डायरेक्ट लोबी में भेज दिया उन लोगों ने। और इसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मुझे विनिंग ही नहीं मिली यार 1 मिलियन की, ना ही लीग के अंदर कहीं पर भी मुझे ये विनिंग नहीं मिली। मुझे कॉइन्स तो मिल गए, मैंने जब रीचेक किया कॉइन्स मुझे मिल गए थे, लेकिन मुझे विनिंग नहीं मिली, ये कोई ग्लिच वगैरह था। तो चलिए एक और जो है ना वो सिंगापुर का गेम प्ले कर लेते हैं फ्री स्टाइल के अंदर। और क्योंकि लास्ट टाइम जो टर्न मोहम्मद भाई की आई थी दूसरे मैच में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सिंगापुर का गेम प्ले किया, तो टर्न मुझे मिल गई और इजीली मैं यार इसको ब्रेक टू फिनिश मार सकता हूँ। सिंगापुर फ्री स्टाइल को ब्रेक टू फिनिश मारना बिल्कुल ईजी है भाई, बिल्कुल ईजी। लेकिन शर्त यह है, जो इसका ब्रेक शॉट होता है ना, वो बस आप किसी तरीके से लगा लो। अगर वो ईजी शॉट होती है फिर तो भाई आपके लिए मैच जीतना ईजी होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ब्रेक आ जाता है तो भाई आप फंस सकते हो यहाँ पर, और आप मैच हार भी सकते हो अगर आपको ब्रेक लगाना नहीं आता। तो यहाँ पर मेरा मैच इनके साथ लगा था और मैंने इनकी आईडी चेक की, तो इनकी विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से ये भी ऑटो प्ले यूज़र ही थे, ये चेक करें 90% की ऑलमोस्ट इनकी विनिंग परसेंटेज थी, यानी कि ये भी ऑटो प्लेयर ही हैं। और ये शॉट के लिए वो रुके हुए थे, उनको लग रहा था मैं ये वाली शॉट मिस कर दूंगा, और ये शॉट जैसे ही मैंने हिट की और वो मैच लीव करके चले गए। और गाइज इतने टाइम के बाद मैंने आप लोगों के लिए गेम प्ले वीडियो अपलोड की, तो आई होप यार आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये गेम प्ले और शॉर्ट्स वगैरह आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, 500 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। जैसे इस वीडियो पर 500 लाइक्स आएंगे मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।